आप लोग का एक्सपर्ट मोबाइल सॉल्यूशन में आप लोग का हार्दिक शुभकामना है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, मतलब एक मोबाइल है उसमें आपका A750F है इस मॉडल का। तो क्या है ना, आपका इस मॉडल में प्रॉब्लम ये है, मोबाइल में जब हम चार्ज लगाते हैं, पहले तो डेली था तो हमने डे टू इसको बनाया है, उसके बाद क्या हुआ है अभी टेम्पर सेट टू हाई आ रहा है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको टेम्पर सेट टू हाई क्यों आता है वो जानना है। तो हमने यहाँ पे चार्जिंग लगाया है, 1.6 लिया है, देखिए 1.8 भी लिया है, इधर 0.6 लिया है यहाँ पे और 1.6 लिया है, और यहाँ पे देखिए चार्जिंग का शो कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये टेम्पर सेट टू हाई आया है इसका प्रॉब्लम। तो ये जो टेम्पर सेट टू हाई आता है, ये हमारा एक थर्मल का पर्जन से थर्मल होता है, वो थर्मल के वजह से ये आता है। ये क्या होता है ना, आपका थोड़ा सा ये करने के लिए आपको जो बैटरी है, बैटरी का लाइन पे आईडी और थर्मल जो होता है, इस मोबाइल में बैटरी का आईडी और थर्मल इस पर नहीं होता है, इसमें जो बैटरी का और आईडी का थर्मल नहीं होता, इसमें होता है आपका क्या, जो आपका बोर्ड है, ये साफ बोर्ड है, साफ बोर्ड से इधर से आके इस बोर्ड में इसका थर्मल होता है इसमें। तो हमको थर्मल रजिस्टर कौन सा है आपको पता नहीं है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा ये साफ बोर्ड है, इस साफ बोर्ड में क्या होता है, जो थर्मल का प्रॉब्लम आता है, ये सीसी से भी आ सकता है, साफ बोर्ड से भी आ सकता है, सीसी से और जो ये है उससे भी आ सकता है। तो हमने क्या किया है, इसको आपको जानने के लिए आपको देखिए यहाँ पे मैं अभी इसका टेस्टिंग करेंगे, आप लोग इस टेस्टिंग थोड़ा सा गौर से देखना क्या है आपका, इसका डिवाइडेड बाय सर्किल होता है टेम्पर सेट में, जो टेम्पर सेट लाइन होता है उसमें। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर मोड्स में हम यहाँ पे रखा है, सबसे पहले आपको जब टेम्पर सेट आता है तो हम क्या करना है, जो हमारा चार्जिंग का पोर्ट है, क्योंकि उसमें 1.8 लिया है तो हमारा डिवाइस लाइन देखने का ज़रूरत नहीं है, डिवाइस लाइन देखने का ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है, तो ही वो आपका एम्पियर में शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो आईडी का लाइन है, बैटरी आईडी वो लगा है कि नहीं लगा, वो इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो आईडी का लाइन में भी आपका दिखाता हूँ मैं। अभी हम इसमें क्या करना है, पोल टेस्टिंग करेंगे, पोल टेस्टिंग करने के लिए हमने रेडबॉक्स को काम किया, ब्लैक से चेक करना है। तो हमारा जो पॉजिटिव लाइन है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा देखिए, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा देखिए, ये इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसका जो आईडी थर्मल लाइन है ना, ये आईडी का जो लाइन है, थर्मल का लाइन है, यहाँ पे देखिए देखिए ये लाइन तो हमारा ये है, तो इसमें थर्मल का नहीं देता है, बैटरी कनेक्टर पे थर्मल नहीं देता है, इसमें देता है आपका इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है, स्कीमेटिक देख के कुछ भी कीजिए, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसका थर्मल किस तरह से काम करता है उसको जानना है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने स्कीमेटिक खुला है, स्कीमेटिक में इसका थर्मल कहाँ पर है क्या है कुछ नहीं बता, तो हमने क्या किया है, इसका जो साफ बोर्ड है मेन, यहाँ पे हमने डायोड मोड में गया है, ये डायोड मोड में जाके इसको चेक किया है कौन सा मेरा थर्मल का लाइन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है B2B कनेक्टर से, यहाँ पे देखिए पास नंबर पिन, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पिन पे हमारा थर्मल का लाइन होता है। तो हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, थर्मल का लाइन जो हमारा 5 नंबर होता है इसमें चेक करेंगे 5 नंबर। तो हम 5 नंबर के लिए हम इसमें जो कनेक्शन है, तो हम 5 नंबर जो है 1 2 3 4 5, देखिए इससे सो इतना रीडिंग आ रहा है, तो हमारा ये रीडिंग सही है, थर्मल का लाइन पे रीडिंग सही है, ठीक है ना। और इसमें वो भी लिखा हुआ है, रीडिंग भी लिखा हुआ है उसने, 400 से ऊपर आना चाहिए, सही है, 450 से ऊपर आया है, सही है। तो हम क्या करना है, अभी अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो थर्मल है वो थर्मल कौन सा है,
पहले जानना है इस सब बोर्ड में थर्मल कौन सा है। तो ये देखिए मैंने बोर्ड भी सेंस किया था तो भी सेम कंडीशन है, तो इसलिए मैं क्योंकि ना इसमें एक वीडियो बना जाए तो हमने इसमें एक वीडियो बनाया है। देखिए इस तरह से जो हमारा थर्मल का है हम आपको दिखा देता है। यहाँ पे इसको मैंने अलग कर दिया, बोर्ड को अलग कर दिया, ये बोर्ड को अलग कर दिया। अभी मैं सिर्फ इसमें देखूंगा जो हमारा थर्मल है वो 5 नंबर पिन है। ये एक रजिस्टर है, देखिए आपको रजिस्टर देखना थर्मल कौन सा है तो पता करने के लिए हमने क्या किया है, रजिस्टर को लगाया है और थर्मल रजिस्टर है या नहीं है उसको भी एक टेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे कितना किलो का है ये रजिस्टर। देखिए 100 किलो का है, 100 किलो का एक रजिस्टर है। वो रजिस्टर क्या है, ग्राउंड में एक साइड है, एक साइड आपका पॉजिटिव की तरफ से है, ठीक है। ये 100 किलो का है तो ये थर्मल है नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना है, हम इसमें एक लॉजिक लगाएंगे। मैं अगर मैं ये थर्मल हो तो इसमें आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसमें ये भी लगा सकता हूँ, आयरन भी लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 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 इसमें ये वाला जो है ना इसमें कम नहीं हो रहा है, देखिए इसमें कम नहीं हो रहा है। ये देखिए ये जितना हीटिंग है जितना भी हीट करो तो ये थर्मल ये कम नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारा थर्मल नहीं है, थर्मल का लाइन यही है लेकिन इसमें ये वाला रेजिस्टेंस थर्मल से नहीं काम कर रहा है। तो हम देखते हैं हमारे पास और एक है, आपको दिखा देता हूँ थर्मल का किस तरह से चेकिंग होता है। तो हमारे पास ये एक है इसका देखना, वो देखो ये रजिस्टर का देखो रेजिस्टेंस कम हो रहा है और वो वाला जो है हमने जो मार्केट से लाया है उसके कितना घट रहा है। देखिए रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है कम हो गया, देखिए कितना कम हो गया, देखो देखिए और हीट करेगा और भी कम हो जाएगा। तो हम इसको अभी थोड़ा गर्म है थोड़ा ठंडा होने देता है, देखना अभी इसका अभी देखना आपका जो टेस्टिंग है, देखिए 75 किलो हो गया ना, देखिए अभी वो बढ़ रहा है क्योंकि इसका थर्मल रजिस्टर ऐसे ही आपको टाइट चेक करना है कि थोड़ा सा हीट देके उसको देखना है वो रेजिस्टेंस रजिस्टर कमता है कि रेजिस्टेंस कमता है कि नहीं। अगर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कमता है तो हमारा थर्मल है और कोई भी रजिस्टर हो उसको जितना भी हीट करो नहीं कमेगा। लेकिन ये वाला जो थर्मल NTC रजिस्टर इस तरह से चेक करना चाहिए, उसका NTC नाम है इस तरह से, ठीक है। तो इसका काम ये है और इसमें एक सीरीज में भी 100 किलो का एक रजिस्टर लगा है इसका, सॉरी ठीक है। तो हम अभी इसमें काम करेंगे, जो हमारा थर्मल है हमने यहाँ पे बनाया है बोर्ड है, ये हमारा मेन बोर्ड है, ये हमारा सब बोर्ड है। तो ये कनेक्टर ये ऐसा है थर्मल का लाइन, ये TS का लाइन है। यहाँ पे एक 100 किलो का एक रजिस्टर लगा है यहाँ पे और इसमें एक सीरीज में देखिए 100 किलो का एक रजिस्टर लगा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है BDD 1.8 वोल्टेज। क्या होता है जब आप साज में लगाते हो तो यहाँ पे इस पॉइंट से एक वोल्टेज यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आता है या इस कनेक्टर पे। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जो थर्मल है 100 किलो और 100 किलो इसमें डिवाइडेड बाय बनता है 1.8 वोल्टेज को आप डिवाइड करोगे तो उसमें R1 और R2 ले लो तो उस तरह से आप ये कीजिए 1.8x, ये भी 100 किलो ये भी 100 किलो है, दोनों सेम है तो इसका डिवाइडेड होगा 5.4 मतलब 0.6 वोल्टेज होगा, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं आपका जो रजिस्टर देखने के लिए आपका एक एप्लीकेशन भी है, कौन सा है ये हमारा एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.8 वोल्टेज इनपुट करेंगे और यहाँ पे एक 100 किलो का रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 100 किलो का एक रजिस्टर लगाएंगे तो यहाँ पे 0.9 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज हो यहाँ पे 0.9 वोल्टेज इसमें आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो हम इसके लिए हम अभी टेस्टिंग करेंगे 0.9 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, ठीक है।
इसमें 0.9 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है चार्जिंग लगाने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए उस पिन पे, और ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर पे भी 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखे हैं और हम यहाँ पे चार्जिंग लगाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय बना हुआ है इसमें, तो हम इसके डायरेक्टली चार्जिंग लगा रहे हैं, चार्जिंग लगाया है, ये चार्जिंग लगाया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी भी लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया। तो अभी हम इसमें चेक करेंगे जो मेरा वोल्टेज है 0.9 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, देखिए वोल्टेज कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो थर्मल यहाँ पे कैसे काम करेगा ये, देखिए यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी नहीं है, मोबाइल लेकिन वाइब्रेशन कर रहा है, और वो देखिए कुछ भी नहीं है वोल्टेज, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो 100 किलो ओम रजिस्टर है, जो हमारा 100 किलो का रजिस्टर है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है इस टीपी पे, तो हम इधर देखेंगे थोड़ा सामने लो, तो हम इधर देखेंगे, देखता है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब 1.8 वोल्टेज आएगा तो ही यहाँ पे डिवाइडेड सर्किट बनेगा, तो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो साफ बोर्ड है इसमें 1.8 वोल्टेज नहीं रहा, तो 1.8 वोल्टेज देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक में दिया हुआ है, वोल्टेज किस तरह से आता है, इसका ना स्कीमेटिक है ना डायग्राम है, सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन है, लेकिन वो हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको चलाना आना चाहिए किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इससे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए BTTFE, थोड़ा जूम करता हूँ हम, यहाँ पे BTTFE 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 1.8 वोल्टेज एक 100 किलो रजिस्टर से होके आएगा, वो 100 किलो रजिस्टर जो है उसको डिवाइडेड बनाएगा, है 100 किलो और 100 जो हमारा एनडीसी रजिस्टर है वो R2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है उसका फीडिंग देखिए, यहाँ पे इसने GR भी दे दिया है, हम इसमें अभी GR लेंगे, 1.8 वोल्टेज जहाँ पे होता है उसमें हम GR लेंगे। तो हमारा जो कनेक्शन है 4 नंबर पिन है, 1 2 3 4, 4 का किस नंबर, ऊपर की तरफ से 4 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें हमारा ये आना चाहिए, GR आना चाहिए, GR तो मतलब आपको पता है, GR तो नहीं पता, रीडिंग, ठीक है, इसका रीडिंग आना चाहिए 1 2 3 4, ये देखिए, सॉरी देखिए 178 190 240 हमारा GR है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है उसने, यहाँ पे देखिए एपी देखिए 233, यहाँ पे 233 लिखा है और मेरे यहाँ पे वो 240 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये लाइन ओके है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, जो हमारा ये जो फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स के वजह से इसका प्रॉब्लम आ रहा है। हमने क्या किया है, इसको भी सेंस किया है, ये भी सेंस किया है, लेकिन इसको सेंस नहीं किया, इसको हम सेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जम्पर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको जम्पर देंगे, क्योंकि हमने जब ने चेक किया, देखिए यहाँ से इसका कंटिन्यूटी आना चाहिए, जो हमारा साफ बोर्ड है ऊपर में, ऊपर हाँ इधर है, यहाँ से हमारा 4 नंबर पिन था, 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर था, और यहाँ से भी हमारा 4 नंबर था, इसका कंटिन्यूटी आना चाहिए, देखो 400 किलो हो गया यार, 500 किलो हो गया, कहाँ से हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ ये रजिस्टर को सेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 किलो का ही लगाना पड़ेगा, कैसे चेक कर रहे हैं, अभी 100 किलो हाँ, 100 किलो हो गया, 100 किलो हो गया,
जब हिट किया ना तो ये जो कनेक्शन था 1.8 वोल्ट से वहाँ पे दिया, तो हमारा देखिए अभी चार्जिंग, ये देखिए पहले ये टेम्परेचर टू हाई आ रहा था, अभी देखिए ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए अभी परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे 1.7 भी ले रहा है एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हाँ 1.7 1.8 ले रहा है देखिए, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है। तो अभी देखिए मैं आपको जो बोला था 0.9 वोल्टेज होना चाहिए, ये है सही से है या नहीं है, हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्टेज इधर है, ठीक है ना, जो जहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो हम अभी वो थर्मल के साइड में चेक करेंगे, 0.9 देखिए, वो 8.853 देखे ना, ये इस तरह से देखिए जो डिवाइडेड बाई बनता है ना, इस तरह से बनता है। और ये देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा था, हम जब जम्पर किया यहाँ से यहाँ तक तो ही वो वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए अभी इसका थर्मल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, और आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं है एस्पर्ट मोबाइल सोल्यूशन पे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को दोबारा मिलते हैं, ओके, थैंक यू।